CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 8 की ध्वनि शाला में। प्यारे बच्चों, आदाब। आज हम आपको आपकी 8वीं जमात की दर्सी किताब अपनी जबान का पहला सबक, जो एक नज्म है, उसको पढ़ाएंगे और उस पर बात करेंगे। बच्चों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर चमन हरारा, NCERT नई दिल्ली से। तो ये नज्म जो है माँ का ख्वाब के उन्वान से है। माँ का ख्वाब नज्म जो है ये अल्लामा इकबाल की बहुत सी नज्में आप लोगों ने पढ़ी होंगी। बहुत बड़े उर्दू के शायर, जिनका तराना हिंदी, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, यह आपने पढ़ी होगी पहले जमात में। इसी तरह लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदाया मेरी। इसी तरह से और नज़में जो उन्होंने पहाड़ और गिलहरी के नाम से लिखी है, मुकालमाती नज़में। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में जो हैं वो लिखी हैं। एक मकड़ा और मक्खी लिखी है, पहाड़ और गिलहरी लिखी है। इसी तरह से और दूसरी नज़में जो हैं वो बच्चों के लिए लिखी हैं। तो आज की जो नज़म है उसका उन्वान है माँ का ख्वाब। तो आइए इसको पढ़ते हैं। अब इसमें आप ये किस तरह से मैं पढ़ रही हूँ उस पर गौर कीजिएगा, और उसी तरह से आप उसी मौजूनियत के साथ और उसी मुनासिब लबो लहजे के साथ आप इसको पढ़िएगा। माँ का ख्वाब। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इस्तराब, ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं, लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल, जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी, जमरुद से पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए, वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहां, इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे उस जमात में आया नजर, वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था, कहां मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहां, जुदाई में रहती हूं मैं बेकरार, फिरोती हूं हर रोज अशकों के हार, न परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की, जो बच्चे ने देखा मेरा पेचोताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी, ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया उसे। अल्लामा इकबाल। देखिए बच्चों, आपने ये नज़्म सुनी, इसमें कुछ लफ्ज हैं जो कि मुश्किल लफ्ज हैं। पहले हम उसके माने जो हैं वो जान लेते हैं, फिर नज्म की हम तशरीह करेंगे और उसके मरकजी ख्याल को बताएंगे। तो मानी है शब के माने होते हैं रात, इस्तराब के मायने बेचैनी, लरजना कांपना, राह के माने होते हैं रास्ता, स्याही कालापन अंधेरा, दहशत खौफ डर, मुहाल मुश्किल, हौसला हिम्मत, जमरुद सब्ज रंग के कीमती पत्थर का नाम, रवा चलते हुए, जमरुद सी पोशाक हरा लिबास, पिसर बेटा, जमात गिरोह, पेचोताप खाना ये मुहावरा है, दिली दिल में गुस्से से घुटना बेकरार होना। तो बच्चों देखिए, इसमें इस नज्म में एक माँ का ख्वाब बयान किया गया है, जो अपने बच्चे को अपने बेटे को ऐसी जमात के साथ देखती है जिनके हाथों में जलते हुए धुए हैं। यानी ख्वाब में वो देखती है कि बहुत सारे बच्चे हैं और वो उनके हाथ में दिए जल रहे हैं, मगर उसके बेटे का दिया बुझा हुआ है और दूसरे लड़कों के पीछे वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। ये देखकर बेटे की जुदाई में रोती हुई, क्योंकि उसका बेटा मर चुका है और बेटे की जुदाई में रो रही है, तो बेटे की जुदाई में रोती हुई माँ को सदमा पहुँचता है। वो अपने बच्चे से शिकायत करती है कि उसे छोड़कर क्यों चला आया और उसका दिया क्यों बुझा हुआ है। तो वो बच्चा क्या जवाब देता है,
उसके बारे में हम इस नज्म में पढ़ते हैं। तो अब इसको हम शुरू से फिर पढ़ते जाते हैं एक एक शेर और उसके बारे में बताते जाते हैं। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा उससे बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। मैंने मैं रात सोई हुई थी कि मैंने ख्वाब देखा, क्योंकि उस माँ का बच्चा मर चुका है, वो रो रही है बच्चे की जुदाई में, गम में वो रोते रोते सो गई है। तो कहती है मैं एक रात सोई, शब के मायने होते राख, तो मैंने ख्वाब देखा और उससे मेरा इज़्तिराब, मेरी बेचैनी और बढ़ गई। ख्वाब को देख के बेचैनी बढ़ गई। ख्वाब में देखिए जो चीज़ें नज़र आती हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, वही चीज़ें हमें ख्वाब में जो है वो नज़र आती हैं। क्योंकि वो अपने बच्चे को बहुत याद कर रही थी, तो उसको अपना बच्चा जो है वो ख्वाब में नज़र आया और उस देख कर उसका जो है ना बेचैनी और बढ़ गई। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, उसने ख्वाब में क्या देखा, ख्वाब बयान कर रही है कि मैं कहीं जा रही हूँ, अंधेरा है और राह मिलती नहीं, चारों तरफ अंधेरा है, कहीं राह नहीं मिल रही है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लरस्ता था डर से मेरा बाल बाल, मैं डर के मारे कांप रही थी और अंधेरा था, राह मिल नहीं रही थी, ऐसी सूरत हाल थी। आप भी देखिए बच्चों, जब कभी इस तरह की सूरत हाल होती है, इंसान बहुत डर जाता है, तो एकदम रुआ रुआ जो है ना वो कांपने लगता है, बाल बाल जो है वो कांपने लगता है। कदम का था दहशत से उठना मवाल, मतलब खौफ ज़दा होके उसका कदम जो था वो दहशत से, खौफ से, डर से जो है वो उसका कदम उठाना मुहाल हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी, उसने कहा फिर मैं कुछ हौसला अपना बरकरार रखा कुछ मैंने, और फिर मैं आगे बढ़ी तो देखा कतार, कतार कहते हैं लाइन को, तो एक कतार लड़कों की थी, बहुत सारे लड़के थे लाइन में, उनकी कतार थी। अब वो बता रही है कि जो लड़के थे तो वो क्या पहने हुए थे, तो जमरूद सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। जमरूद की पोशाक यानी हरे रंग की पोशाक जो है वो पहने हुए थे, और दिए सबके हाथों में, दिया जो था सबके हाथों में जल रहा था। वो चुपचाप थे, आगे पीछे रवा, आगे पीछे वो चल रहे थे, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ, हाथों में दिए थे और वो चल रहे थे, हरे रंग का लिबास पहन रखा था उन्होंने। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे उस जमात में आया नजर, मैं अभी यही सोच रही थी कि एकदम मुझे मेरा बेटा नज़र आया। पिसर के मायने होते हैं बेटे के, मुझे उस जमात में यानी उस ग्रोह में जो बच्चे हैं उसमें उनको अपना बेटा नज़र आया। वो पीछे था और तेज़ चलता ना था, वो पीछे चल रहा था लेकिन तेज़ तेज़ नहीं चल रहा था, पीछे था, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। दिया उसके हाथों में जलता ना था, और दिया भी उसके हाथ में जला हुआ दिया नहीं था, बुझा हुआ था उसका। कहाँ मैंने पहचान कर मेरी जहाँ, वो पहचान कर उसकी माँ कहती है कि मेरी जान मेरे बेटे मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ पर आ गए, मैं कितनी गमजदा हूँ तुम्हारी याद में, जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हर रोज़ अशकों के हार। यानी मैं तुम्हारी जुदाई में बहुत बेकरार हूँ, बहुत रोती हूँ। और आप ये समझ सकते हैं कैफियत को, इस एहसास को कि एक माँ उसका बेटा मर चुका है तो वो किस तरह, आहिस्ता आहिस्ता ही इंसान को सब्र आता है, लेकिन उसकी जुदाई में वो माँ बेकरार है और किस तरह से वो बेकरार रहती है, रोती है हर रोज़ अशकों के आर, यानी वो बहुत रोती है अपने बच्चे की जुदाई के गम में। ना परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की, क्योंकि तुमने तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं की और ये तुमने अच्छी वफा की, यानी मेरे साथ जो है ये अच्छा किया तुमने। और वफा किसे कहते हैं कि हमेशा साथ रहना, लेकिन यहाँ तुमने मेरे साथ वफा अच्छी नहीं की है, बल्कि मुझे छोड़ कर तुम यहाँ से इस दुनिया से चले गए और मैं तुम्हारी याद में तड़प रही हूँ। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचोताव, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। बच्चे ने जब देखा कि उसकी माँ कितनी जो है वो बोल रही है, कह रही है, अपनी कैफियत का इजहार कर रही है, तो पेचोताव जब देखा, उसने दिल में लाना देखा, तो उसने मुँह फेर कर जवाब दिया, उसकी माँ की तरफ से मुँह फेर लिया और जवाब दिया, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। कहती कि तुझे मेरी जुदाई रुलाती है, मैं तुझसे जुदा हो गया लेकिन इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है। मैं भलाई क्या नहीं है, यानी ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, वो कुछ देर तक चुप रहा। दिया फिर दिखा कर ये कहने लगा, फिर उसने अपना दिया दिखाया और कहा, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे, यानी ये जो मेरा दिया बुझा हुआ है ये तेरे आंसुओं की वजह से बुझा हुआ है, अगर तू इतना नहीं रोती तो दिया जो है वो मेरा बुझता नहीं। तो इसमें जो मरकजी ख्याल है बच्चों वो यही है कि जो माँ बाप हैं
उनको ठीक है कि भाई बच्चे जब मर गया, वो बच्चा या बच्चा उसका दुनिया में नहीं है, रो रही है और उसके ख्वाब में देखती है, लेकिन वो खुद भी गमगीन है। बच्चा जो माँ के रोने धोने से खुद भी गमगीन हो गया है। माँ जो रो रही है वो माँ से कहता है कि मेरे दिए को इसी आंसुओं ने बुझाया है। यानी ये सबक में ये बात पोशीदा है कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का हौसला जो है वो पस्त हो जाता है और उन्हें आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती है। अब बच्चे कहीं जाना चाहते हैं, कहीं कुछ करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि उससे रुकावट भी महसूस होती है। एक दूसरा जो मैसेज है वो ये है, एक तो ये है कि भाई जो दुनिया में आया वो जाएगा ज़रूर, लेकिन उसके जाने का गम तो होता है, बहुत गम होता है, लेकिन उस उतना गम नहीं करना चाहिए जितना कि वो औरत या वो माँ जो है अपने बच्चे के गम में जो है पेचोताप खाती है और किस तरह से वो रोती है, बच्चे से शिकायत करती है, फिर बच्चा उसको कहता है कि जो है ये दिया तुम्हारे आंसुओं की वजह से ही बुझाया, अगर तुम अपने आंसू नहीं बुझाती तो मेरा दिया जिस तरह और बच्चों का दिया बुझा हुआ है इसी तरह से ये दिया जो है जलता रहता। तो इसमें जो मुश्किल रास्ते वो तो मैंने आपको बता ही दिए थे, जिसमें पेचोताप खाना एक मुहावरा है, दिल ही दिल में गम गुस्से से घुटना है, बेकरार होना है। अब इसमें सवाल जो है वो ये है कि ख्वाब में माँ ने अपने आप को किस हाल में देखा, किस हाल में देखा कि वो जा रही है बहुत दूर, कहीं अंधेरा है, उसको राह नहीं मिल रही है। वो माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा, उसने देखा कि बच्चों की एक जमात है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हरे रंग का लिबास पहना हुआ है, हाथों में उनके जो है वो दिए हैं और सबके दिए जलना है, और उसके बेटे के हाथ में दिया जो है वो बुझा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आ रहा है। माँ की बेकरारी का सबब क्या है, माँ की बेकरारी का सबब यही है कि उसके सब बच्चों के दिए जल रहे हैं लेकिन उसके बच्चे का दिया नहीं जल रहा है। लड़के के हाथ में दिया क्यों नहीं जल रहा था, लड़के के हाथ में दिया इसलिए नहीं जल रहा था क्योंकि वो अपनी माँ से यही कहता है कि ये तेरे आंसुओं की वजह से बुझ गया है, अगर तू इतना ना रोती तो ये दिया भी नहीं बुझता। तो कहने का जो इस नज़्म में जो मरकज़ी ख्याल है वो यही है कि माँ बाप को रोने धोने से बच्चों का हौसला पस्त होता है और उन्हें आगे बढ़ने में भी रुकावट महसूस होती है। और इसमें कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, कुछ और सरगर्मियाँ हैं जो आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस नज़्म को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए, समझने के बाद इसका जो खुलासा है यानी आप इसके बारे में कुछ चंद जुमले लिखिए एक पैराग्राफ के तौर पर कि नज़्म जो है क्या है, किसकी लिखी हुई है। जब आप खुलासा लिखेंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि ये नज़्म अल्लामा इकबाल ने लिखी है, अल्लामा इकबाल ने और भी बहुत सी नज़में लिखी हैं जो हमारी इस कोर्स की किताब में शामिल हैं, जिसमें जो है पहाड़ और गिलहरी है, मकड़ा और मक्खी है, बच्चे की दुआ है और तरानाए हिंदी और बहुत सी नज़में जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो नज़्म को नज़्म की तरह से पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर उसके बारे में लिखिए और उसमें उसके मरकज़ी ख्याल को भी उसके अंदर लिखिए। अब इसमें आपने जो इस नज़्म थी, इस नज़्म का ख़ुलासा एक पैराग्राफ में आप लोग लिखेंगे। नज़्म को खूब अच्छी तरह पढ़िए, समझिए और समझने के बाद उसको लिखिए। ऐसे अब ये कि मसरे मुकम्मल करने हैं, जैसे कि पिछली नज़्म में हमने किए थे, मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और मेरा इस्तराब जिससे मेरा इस्तराब, समझती है कि तू क्या क्या हुआ इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। तो इसको अगर आप ज़बानी याद कर लेते हैं नज़्म को तो ठीक है, लेकिन जब पढ़ें तो इस तरह से पढ़िए कि नज़्म को, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि नज़्म को मौजूनियत के साथ, मुनासिब लब व लहजे और उतार चढ़ाव के साथ और एक लहमे, और क्या नज़्म में क्या बात किस तरीके से कही जा रही है या क्या उसका मौजू है, उस रंग को देखते हुए आपको नज़्म को पढ़ना है। अगर खुशी का है तो खुशी के इजहार की तरह से उस नज़्म को पढ़ना उसी आंग में। अगर जैसे गमज़दा है, जैसे ये माँ है गमज़दा है, तो इसको हमें ऐसे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है और उसको समझना है। फिर है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो आप इसमें कुछ लफ्ज़ हैं, इस्तराब है, मुहाल है, अजल है, पेचोताब है, तो इनको आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये भी एक एक्टिविटी है, इसको आप जुमलों में इस्तेमाल करके लिखिए। फिर है लफ्ज़ों के मुतादाद हैं, जैसे जवाब है, जवाब का उल्टा यानी इसका मुतादाद सवाल हो जाएगा, बेकरार का करार हो जाएगा, दूर का नज़दीक हो जाएगा या पास हो जाएगा,
और इसी तरह से वफा का जफा हो जाएगा। इस तरह के बहुत से लफ्ज हैं, आप इस किताब में से देखकर उनको उनके मतज़ाद जो हैं वो लिख सकते हैं। फिर नज़्म का खुलासा, जैसे मैंने कहा अपने अल्फाज में लिखिए, जब आप लिखें तो उसमें बहुत ज़्यादा तफसील ना लिखें बल्कि एक पैराग्राफ में ही उस नज़्म को लिख दीजिए। इस नज़्म को आप इसको अपने घर में या स्कूल के स्टेज पर ड्रामे की सूरत में पेश कर सकते हैं। इसमें यही है कि एक स्टेज पर जब आप इस ड्रामे को पेश करेंगे या घर में भी आप इसको जब स्टेज करेंगे इस नज़्म को, तो उसमें बच्चों की कतार दिखाई जाएगी जिसमें वो सब लिबास पहने होंगे, उनके हाथ में दिया होगा, सबके दिए जल रहे होंगे, लेकिन पीछे एक बच्चा जो है उसका हाथ का दिया बुझा हुआ होगा। और फिर इस नज़्म को जो है बहुत ही गा कर तहतुल्लज़ है बहुत अच्छे ढंग से इसको पेश किया जा सकता है। तो या आप अपने घर में अपने घर वालों के साथ, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं तो घर में भी आप इसको पहले लिख लीजिए, रिहर्सल कर लीजिए इसकी, फिर स्कूल में भी स्टेज करके वहाँ पे भी पेश करिएगा जब कभी स्कूल खुलेंगे। अभी तो स्कूल नहीं खुल रहे हैं, अभी सिर्फ जो है वो आपकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो ऑनलाइन के तहत मैं आपको सिर्फ यही एक्टिविटीज़ आपको मैं दूंगी कि आपके खुलासा नज़्म को पढ़ना और दूसरे ये कि स्कूल को जो ड्रामे की शक्ल में पेश करना। बहुत आराम से इसको पेश किया जा सकता है, इसका स्टेज करके जब आप करेंगे तो बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में नज़्म आ जाएगी। अब इसमें कुछ है पढ़िए समझिए और लिखिए, तो इसमें मानने वाला बनाने वाला देखने वाला, ये अल्फाज किसी काम के करने को जाहिर करते हैं। इन्हें इसमें फाइल कहा जाता है। 5 इसमें फाइल वाला के साथ बनाइए, देखने वाला, रोने वाला, हंसने वाला, इस तरह से करके आप 5 इसमें फाइल जो है वो बना सकते हैं और उनको लिख सकते हैं। अच्छा, अलामा इकबाल की और भी बहुत सी नज़में हैं, उनको भी आप इंटरनेट पर देखकर सर्च करके या पिछली किताबों में आप अगर आपको मिल जाएं या नेट पर अगर आप पढ़ें तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से इन नज़्म को, बल्कि नज़्म के आपको जो है वो तरन्नुम से भी कुछ नज़में बहुत से बच्चों ने गाई हैं वो भी आपको इस पे मिल जाएंगी। और हमारे एनसीईआरटी ऑफिशियल पे भी, इस एनसीईआरटी ऑफिशियल पर हमारी ऑडियो बुक भी इस किताब की बन चुकी है, वहाँ पे भी आप उसको देखकर उस नज़्म को उसी तरह से अदायगी कर सकते हैं और ये सब काम कर सकते हैं। तो इसमें गौर करने वाली बात यही है कि इस नज़्म में माँ के ख्वाब को बयान किया गया, जैसे कि पहले मैंने बताया वो अपने बेटे को ख्वाब में देखती है, अपने बेटे को कि वो जमात के साथ में है और सबके दिए जलते हुए हैं लेकिन उसका दिया बुझा हुआ है, वो दूसरे लड़कों के पीछे पीछे आहिस्ता चल रहा है। तो माँ को देख कर बड़ा दुख होता है कि उसके बेटे का दिया क्यों बुझा हुआ है, सबके दिए चल रहे हैं। तो फिर जब बच्चा रोने धोने से भी खुद भी गमगीन हो जाता है तो वो माँ से कहता है कि ये जो तुम रोती धोती हो तो इसकी वजह से मेरा ये दिया जो है वो बुझा हुआ है और इसी आंसुओं ने इस दिए को बुझा दिया है। तो इसमें जो बात एक दूसरी बात निकल कर आती है वो यही होती है कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का हौसला जो है वो बुलंद नहीं होता बल्कि पस्त हो जाता है और उन्हें आगे बढ़ने में काफ़ी दुश्वारी पेश आती है, काफ़ी रुकावट महसूस होती है। तो बच्चों, आज हमने ये नज़्म पढ़ी जिसका नाम था माँ का ख्वाब। तो आपको माँ का ख्वाब नज़्म कैसी लगी, या आपने अगर कोई ख्वाब देखा हो तो उस ख्वाब को भी आप जो है वो लिख सकते हैं। तो माँ का ख्वाब आपको नज़्म कैसी लगी, तो क्या अच्छी लगी तो उसकी वजूहत, और इस नज़्म में आपको क्या जो है मरकज़ी ख्याल या उसका आपको क्या सबक मिलता है, क्या करना चाहिए, क्या ज़्यादा रोना धोना नहीं चाहिए अगर कोई किसी से जुदा हो जाता है। वो ठीक है, जुदाई का गम तो रहता ही है लेकिन इतना ज़्यादा जुदाई का गम नहीं करना चाहिए जैसे कि इस नज़्म में एक माँ का ख्वाब जो अपने बच्चों को देखती है वो जो महसूस करती है। तो माँ के महसूसात को भी आप लिख सकते हैं। फिर आप जो है अपनी माँ पर भी एक मज़मून लिख सकते हैं, वो कैसी है ज़ाहरी शक्ल व सूरत के अलावा, वो आपके साथ कैसी मोहब्बत और उसका बर्ताव करती है, इन सब चीज़ों को आप एक मज़मून की शक्ल में मेरी माँ के अनवान से लिख सकते हैं। और माँ का ख्वाब नज़्म का मरकज़ी ख्याल अपने घर में डिस्कस करके उसको भी लिख सकते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको सबक के शुरू में बताया था कि ये नज़्म अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है और उनका पूरा नाम था शेख मोहम्मद इकबाल। तो थोड़ा सा आज हम उनके बारे में भी जान लेते हैं कि शेख मोहम्मद इकबाल जो थे 1877 में सियालकोट पंजाब में पैदा हुए,
इब्तदाई तालीम जो मदरसे में हासिल की उन्होंने, अंग्रेजी मिशन स्कूल से इंट्रेंस के इम्तहान को पास किया, लाहौर से बीए किया, बीए की डिग्री हासिल की, फिर ओरिएंटल कॉलेज और बाद में गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर के ओहदे पर फायज हुए, कैम्ब्रिज से बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया, जर्मनी से फलसफे में डॉक्टरेट के लिए, इनको डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहा जाता है, इन्होंने फलसफे में पीएचडी किया था। इकबाल को बचपन से ही शायरी से खास लगाव था, उन्होंने शेर कहने शुरू किए, तो इब्तिदा में जो इसलाह ली वो दाग दहलवी से ली, और दाग दहलवी का नाम भी आपने सुना होगा कि दिल्ली के रहने वाले थे, बहुत बड़े शायर थे, लेकिन और उर्दू और फारसी दोनों जबानों में इन्होंने शायरी की इकबाल ने। इनकी जो मजमूए हैं, उन्होंने नज़में भी लिखी, गज़लें भी लिखी। 1938 में इनका इंतकाल हुआ। इनके जो मजमूए हैं, जो इनके शेरी मजमूए हैं, बांगे दरा है, ज़रबे कलीम है, बाले जबरील है, रुमान हिजाज, इनके उर्दू कलाम के मजमूए हैं। तो देखा आपने कि शेख मोहम्मद इकबाल ने जो अपनी शायरी जो इन्होंने शायरी की, वो इनकी ज़्यादातर प्यामी शायरी है, एक प्यामी शायर के रूप में ये हमको नज़र आते हैं, और बहुत सारी नज़में जो हैं हमारी टेक्स्ट बुक जो उर्दू की दर्सी किताबें हैं उनमें शामिल हैं। तो देखा किस तरह से उन्होंने तालीम अरबी, उसमें फ़ारसी में, उर्दू दोनों में शेर कहे और नज़में लिखी। तो उसमें ही नज़म थी माँ का ख्वाब, जो उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में उस नज़म को लिखा है। बहुत सी मुकालमाती नज़में भी लिखी हैं, जैसे पहाड़ और गिलहरी है, पहाड़ और गिलहरी में पहाड़ गिलहरी से मुकाबला करता है, गिलहरी को कहता है कि तो बहुत छोटी चीज़ है और मैं बहुत बड़ा हूँ, तो उसमें उसको बहुत अच्छे अंदाज में, मुकालमाती अंदाज में उन्होंने उसको बयान किया है। ऐसे एक मकड़ा और मक्खी नज़म है, तो मकड़ा और मक्खी नज़म में भी वो मकड़ा जो है उसको मक्खी को जो है अपने जाल में फंसा लेता है, उसकी तारीफ करके, खुद की खुशामद करके। तो उसमें ज़्यादातर हमने ये देखा कि कुछ सारी चीज़ें ऐसी दी हैं कि इंसान जो है वो कभी कभी खुशामद का शिकार नहीं होना चाहिए। जिस तरह से ये मकड़ा और मक्खी नज़म है, जो हमारी इसी किताब में, आठवीं क्लास की किताब में आगे चल कर हम पढ़ेंगे, तो उसमें मकड़ा जो है वो उसकी मक्खी की बहुत तारीफ करता है, झूठी तारीफें करता है, और वो जो है उसके दाम में आ जाती है और मकड़ा जो उस मक्खी को खा जाता है। ऐसी ये जो नज़म है पहाड़ और गिलहरी, तो पहाड़ और गिलहरी में भी यही चीज़ दिखाई है कि वो पहाड़ को अपने ऊपर बहुत गुरूर है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, गिलहरी से कहता है कि तुम तो बहुत छोटी हो, तो उस पर वो जो है ना एक कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। नज़म की शुरुआत इस तरह से की है। तो पहाड़ गिलहरी से क्या कहता है, तुझे शर्म तो पानी में जाके डूब मरे, जरा सी चीज़ है उस पर गुरूर क्या कहना, तो और नाची जरा सी चीज़ है उस पर गुरूर क्या कहना। तो फिर उस पर वो कहती है कि अगर तू इतना अपने आप को बड़ा समझ रहा है तो ये छालियाँ ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। तो इस तरह से वो ये कहती है, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ की अपनी अहमियत है, बड़ी से बड़ी चीज़ की अपनी अहमियत है, जहाँ पर पहाड़ की अपनी हैसियत है ऐसी गिलहरी की भी है। तो इसने किसी को किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए, ना किसी से किसी का मुकाबला करना चाहिए बच्चों, बल्कि यह है कि हर इंसान में जितनी सलाहियत होती है उसके हिसाब से काम करता है। अब पहाड़ है वो एक जगह खड़ा हुआ है, विशाल है, बहुत ऊंचा है, सब कुछ है, लेकिन गिलहरी जो है वो छोटी है, लेकिन छोटी होने के साथ साथ वो अपने दरख्तों पर इधर उधर दौड़ती फिरती है। तो उसको यही कहती है ना, जवाब देती है कि उसको पता नहीं क्या क्या बोलता है कि तू इतनी छोटी सी चीज़ है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, लेकिन तू कुछ भी नहीं है, और मैं तो तेरे आगे बहुत विशाल हूँ, बहुत ऊंचा हूँ। तो इस पर गिलहरी जो है उसको ये कहती है कि अगर इतना ही तू है तो छालियाँ तोड़ के दिखा। इसकी मिसाल इस तरह से है बच्चों के, जैसे जहाँ पर सुई का काम है वह सुई काम करेगी, ठीक है ना, वहाँ पर हम भाले से काम नहीं ले सकते। भाले से क्या करते हैं, ज़मीन खोदते हैं, और सुई से किसी चीज़ को सिया जाता है। तो हर चीज़ की इस दुनिया में एक अहमियत है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे गिलहरी हो, चाहे चींटी हो, चाहे कोई भी और जानदार हो। तो इसलिए किसी को किसी से मुकाबला करना या किसी को कमतर बताना बहुत ही गलत बात है, अच्छी बात नहीं है, बल्कि सब इंसानों की तरह से, हर इंसान में कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं,
इसी तरह से किस में कुछ खामी है, किस में कुछ खूबी है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें खूबियों को देखना है, खामियों को नज़रअंदाज करना है। तो इस तरह से आपने अल्लामा इक़बाल की जो नज़में हैं, जैसे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शमा की सूरत खुदाया मेरी, तो ये नज़म जो है बच्चे की दुआ है। लब कहते हैं नहीं, मेरे होठों पे ये दुआ आती है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो शमा की मानें दो। जिस तरह से शमा यानी मोमबत्ती रोशनी खुद जलती है और दूसरों को रोशनी देती है, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, यानी मैं ऐसे से काम करूं कि दुनिया में जो अंधेरा फैला हुआ है वो ख़त्म हो जाए और हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। मैं दुनिया में इतने अच्छे अच्छे काम करूं, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको। फिर अल्लाह से दुआ कर रहा है बच्चा कि मुझे नेक राह पर चला और मुझे हर बुराई से बचा। तो ये जितनी भी नज़में हैं बड़ी सबक आमोज नज़में हैं, उसमें एक ना एक कोई ना कोई पैगाम दिया गया है। जैसे ये नज़म है माँ का ख्वाब, इसमें भी जो पैगाम दिया गया है वो यही दिया गया है कि बच्चों के माँ बाप के रोने धोने से बच्चों के हौसले जो हैं वो पस्त होते हैं, तो बच्चों का हौसला पस्त नहीं होने देना चाहिए, उनको आगे बढ़ने की तरफ रागिब करना चाहिए। ऐसे पहाड़ और गिलहरी में ये कहा गया है कि मगरूरियत अच्छी चीज़ नहीं है, किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। इसी तरह से और दूसरी नज़में हैं जैसे मकड़ा और मक्खी, तो किसी की खुशामद में नहीं आना चाहिए। तो ये सब क्या है, एक पैगाम दे रहा है कि बच्चों को एक वैल्यूज़, एक अखलाकी, एक अखलाकी अकदार है जिसको इकबाल ने अपनी नज़मों के ज़रिए पेश किया है। और जो माँ का ख्वाब नज़म है उसमें भी यही बताने की कोशिश की है कि हमेशा जो है बच्चों को जो है आगे बढ़ने के लिए रागिब करना चाहिए और माँ बाप को ज़्यादा रोना धोना नहीं चाहिए, उससे बच्चों के हौसले पस्त होते हैं। तो मैं समझती हूँ बच्चों आपको ये नज़म बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। मैंने अल्लामा इक़बाल का तारुफ भी आपसे बाद में करा दिया है ताकि आप इनकी जो दो नज़में मैंने बताई हैं उनको भी पढ़ें, और इसके अलावा और नज़में भी आपको मिल जाएंगी जो इनके मजमुए में, जिन मजमुओं के मैंने नाम लिए हैं, बांगे दरा, ज़रबे कलीम, बाले जिब्रील और मुगाने हिजाज। तो इन मजीद नज़मों को भी पढ़ सकते हैं, गज़लें भी लिखी हैं, अगर गज़लें चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने आज इस नज़म को जो है सही तरीके से पढ़ना, मौजूनियत से पढ़ना, सही लाबोलॉजी के साथ पढ़ना, इस नज़म की तफहीम, उसके मरकज़ी ख्याल और उसके खुलासे को लिखना सीखा। तो मैं समझती हूँ आज ये नज़म आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और शानु मुक्सीम। निर्माण अजीत होरो। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।